सत्संग जी, प्यार से कहना, धन गाय जी। तो ये जो आप सबका सत्संग के प्रति, निरंकार के प्रति, सेवा के प्रति, सुमिरन के प्रति, ये जो अपना एक मन है जो निरंकार में टिकाने वाली बात होती है, जो अपना असली रूप है हर एक का, उसकी पहचान करने तक की यात्रा ही नहीं है सिर्फ। एक बार जब ये रूबरू होकर इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान द्वारा आज हमें जब मिल जाता है, तो उसके बाद जीवन को कैसे जीना है, वो सब बातें जो इस सत्संग रूप से हमें शिक्षा मिलती है, उसको किस तरह अपने जीवन में अपनाना है, तो वही भाव आप सबका आज दिख रहा है कि चाहे आज कुछ भी करा जा सकता था दिन में, पर आप सब ने ये वो डिसीजन लेकर कि आज सत्संग ही किया जाए, तो उस तरह ये जो नहीं भी आ पाए और उनका भी ध्यान था सत्संग में आने का, या आप सब जो आए भी, तो कैसे ये समय की बात है कि अपना यूज़ जो किया उसको इस प्रभु परमात्मा निरंकार के एहसास में बिताने वाली बात आ जाती है कि कैसे हमारा एक एक पल ये प्रभु परमात्मा निरंकार ने जो हमको बख्शा है, उस पल को हम सदुपयोग करते हुए कि किस तरह हमारी इंटेंशन की बात होती है वो, कि हमें सत्संग में आकर एक एक पल सिर्फ आकर बैठ के चले जाना नहीं, पर एक एक वक्ता, चाहे छोटे बच्चे की ज़ुबान से था, बुज़ुर्ग की, बहन भाई, जिनसे भी कविता रूप, गीत रूप, स्पीच रूप, जो जो भी बोला सबने, वो एक एक वचन ऐसा था जो पूरे जीवन में एक इम्पैक्ट पॉजिटिव कर देता है। तो आज उसी तरह सत्संग में भी हमने ये सब जो आज सुना है, तो दातार कृपा करे कि ये ताउम्र हमारे जीवन में ये अच्छी बातें, ये हमारे सिर्फ बोल तक नहीं रह जाए, कान में घुस के सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए नहीं रह जाए, बल्कि हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में भी जल के। तो ये पंक्तियों में जिस तरह ये बात हो रही है हरदेव वाणी में कि ये सुख की बात है, ये जो हर एक को जो अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करने के लिए क्या एक रास्ता अपनाना है, जिस तरह अभी सत्संग की भी बात हुई, उस तरह यही कि युगों युगों से देखा जाए तो संतों का तो दिल ऐसा ही हुआ है, जो सिर्फ अभी की बात नहीं है, चाहे कलयुग हो, सत्ययुग हो, द्वापर हो, कोई भी समय ले लें, कि संतों ने तो हमेशा यही चाहा है कि एक जो हर एक को कैसे मन में चैन दिया जाए, हर एक को किस तरह अपने असली रूप इस परमात्मा का दर्श दीदार करा दिया जाए, और कैसे उस तरह फिर एक जो पहचान कराई जाए, अच्छे गुण दिए जाए, उसी में ही एक ये परमानेंट सुख छुपा है। छोटे छोटे सुख तो कहीं ना कहीं हर समय पे मिल जाते हैं, पर ऐसा कौन सा सुख है जो हर समय एक जैसा ही हो और वो उस सुख में कुछ बढ़ा ना जाए, कोई घटा ना जाए। तो वो वाला सुख जो एक ब्लिस की अवस्था होती है, जो एक चैन से भी ऊपर उठ के, खुशी से भी ऊपर उठ के जो वो सुख है, तो वो सुख सिर्फ तभी मिल सकता है जब हम संतों का संग कर लेंगे, कि संतों का जब तक संग हमारे जीवन में आएगा नहीं, तब तक हम कैसे अपने जीवन को उस मुकाम तक लेकर जाना संभव नहीं होता, क्योंकि संत ही हैं जो हमको प्रेरणा देते हैं हमारे जीवन को सुधारने के लिए। और एक बार हमें वो जब पता लग जाता है कि ये क्या सच्चाई है, तो हम अपने जीवन में एक वो परमानेंट सुख, एक जो हर समय रहने वाला सुख, उसको प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी, भला सोचते जो औरों का, खुद अच्छे बन जाते हैं, सच्चाई के साथ रहें तो खुद सच्चे बन जाते हैं। तो ये सच्चाई जो हमेशा के लिए ही सच्चाई है, जैसे कोई सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो अभी हैं, कुछ पल के बाद नहीं है, जैसे अभी अगर रात्रि का समय है तो कुछ घंटों के बाद वो झूठ हो जाएगा क्योंकि वो दिन हो जाएगा। तो ऐसे कुछ सच्चाइयाँ, कुछ समय के लिए रहने वाली सच्चाइयों की यहाँ बात नहीं हो रही, वो बात ही कि कैसे एक निरंकार प्रभु परमात्मा, यही सच्चाई ये तब भी थी जब ये ब्रह्मांड बना नहीं था, ये धरती बनी नहीं थी, और ये तब भी रहेगा जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हर कुछ जो माया का रूप है
उस रूप से हटकर जो भी है वो सब निरंकार है, वही एक ही सच्चाई है, कायम दायम रहने वाली सच्चाई। तो उस सच्चाई से जितने ज़्यादा हम जुड़ेंगे, हमारे अपने मन के भाव उन गुणों को अपनाएंगे कि कैसे ये हम इस निरंकार जैसा बनता और जाते रहें, जैसे विशालता का जिक्र आता है, और भी जो भी हमारे को गुण समझ में आते हैं कि हर एक गुण इस निरंकार में स्वयं है, और वैसे ही हम उतना ही हमारा भी मन सच्चा होता जाएगा जितना हम खुद सिमरन रूप में, संगत रूप में, सेवा रूप में इस निरंकार से जुड़ते चले जाएंगे। तो वो नेचुरली वही बात कि हमारे मन में भी वही सच्चाई अपनी पकड़ और बनाएगी, और हमारा मन भी फिर कुछ और गलत चीज़ें सोचने के बजाय सिर्फ ये सच्चाई से ही जुड़ता चला जाएगा। हाँ जी, सब कुछ पीछे रह जाता है, नेकी ही संग जाती है, मालिक की दरगाह में जाकर नेकी काम आती है। जी, तो ये वाली जो हमारा जीवन काल मिला है, इसमें हमको जहाँ कर्म करने की पूरी आज़ादी है, वहाँ ये जो नेकी की बात आ रही है, जो नेकी की शिक्षा दी जा रही है, कि हमने अगर ये अब सच्चाई को जान भी लिया तो उसके बाद भी हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। हमारे मन के भावों से ही ये बात शुरू होती है कि हम अगर अपने मन में ये सिखलाइयों को, जो एक ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, ये एक दूसरे की हित रखना, एक दूसरे को खुशी देना, हर एक के जीवन में एक आराम देने वाली बात, जो भलाई की भावना लेके मन में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, वो इरादा, वो इंटेंशन, वो ही बहुत मायने रखता है। कि कर्म से पहले तो वो हमारी इंटेंशन की बात है, कि कर्म तो फिर भी बाद में करेंगे, पहले तो उसको सोचना ही, वहीं से ये यात्रा शुरू है। तो ये नेकी करने की बात कि जितना हम जीवन में निरंकार से जुड़े रहेंगे, उतने ही हमारे कर्म कुछ भी गलत हमसे नहीं करवाएंगे। हम खुद वो चेतन अवस्था में रह कर कि निरंकार हर समय है, प्रभु परमात्मा हर समय हमें देख रहा है, तो कुछ जानबूझकर तो गलती नहीं कर पाएंगे। और वही बात कि मन में सिर्फ अच्छाई जब रहेगी तो ये नेकी का रास्ता लेके हम ना कि सिर्फ अपना ही जीवन संवारेंगे, पर औरों के लिए भी, उनके जीवन में भी हम और उनको भी खुशी दे सकेंगे। और यही नेकी है जो हमारे साथ सदैव हमारे जीवन काल में, जहाँ हमारे को एक अच्छा जीवन जीने की कला बख्शेगी, और वही बाद में भी जहाँ वो परमात्मा की दरगाह वाली बात है कि उस समय भी जब मृत्यु हो जाएगी तो भी हमारा ये जो जीवन में हमने कर्म किए हैं, वो चाहे हमारी एक बात तो वो भी हो जाती है कि कर्म को जहाँ बोला है कि बुरे कर्म तो एक अलग तरह की बेड़ी है, और ये अच्छे कर्म चाहे सोने की बेड़ी है, तो जहाँ वो बात भी है कि कर्म हम अगर सोचें कि हम खुद कर रहे हैं, तो उसको अगर अच्छा करें या बुरा करें तो वो एक बैगेज साथ लेके चलने वाली बात हो जाती है। पर जब हमने पहले ही प्रण में, जहाँ ये तन मन धन को सरेंडर वाली बात, ये समर्पित कर दिया इस परमात्मा के आगे कि सब जो बख्शा है उसी का है, तो ये ख्याल भी और ये कर्म भी, जो भी हमारी तो कोई औकात नहीं कि करें, तो जब उस भाव से हम रहेंगे और हमारे अच्छे कर्म हमसे होते जाएंगे, तो फिर वही बात है, वही कर्म है जो आगे हमारे मृत्यु के समय भी हमारे साथ जो आगे जाएंगे। हाँ जी, कभी किसी का बुरा सोचना सबसे बुरी बुराई है, कहे हर देव भला कर सबका, इसमें तेरी भलाई है। जी, तो ये सर्बत के भले वाली बात कि हर एक में कोई फर्क ना करते हुए, कि ये भले भलाई की भाव जब मन में है, ये मन में जो रोशनी जग गई है, तो फिर उस रोशनी ने कोई पार्शियलिटी नहीं करनी, कोई ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ इस व्यक्ति के लिए ही रोशनी है, इस व्यक्ति के लिए अंधेरा है। तो वो जब रोशनी जगी है तो वो हर एक बराबर है, आगे हर एक को ही उतना ही दिखना है। तो हमने भी अपने नज़र में कोई फ़र्क नहीं करना। वो भाई कन्हैया वाली सेवा भक्ति की बात कि जहाँ युद्ध के मैदान में जब उनसे भी पूछा गया कि आपने ये सेवा रूप में पानी पिलाना है, तो उन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया कि ये हमारी सेना है और ये दुश्मन की सेना है,
उनको भी वही भाव लगा कि सभी अपने हैं, ये जो अपनापन, ये जो सभी अपने वाली भाव है, वो उस भाव से जो सेवा की गई उनकी भी, तो वही एक मूल बात है कि जब ये परमात्मा प्रभु ये ही एक है और हम उसके संतान, चाहे कितने भी भिन्न भिन्न दिखते हों, आदतें कितनी अलग हों, खान पीन, कोई पहनावा, कोई रहने की जगह, कोई देश, जितने भी अलग हम उस तरह दिख रहे हों, पर ये ज्योत तो एक ही है जिस जो हमारे साथ है, जो हम जिसका अंश अपने आप को बोलते हैं परमात्मा का अंश, ये आत्मा सब में वो ही एक बराबर आत्मा है। तो कोई उस तरह का फ़र्क ना जब करें और अपने आप पे ये सुधार हमेशा जारी रखें कि हम बस अपना एक जो सही मार्ग है उस पर ही चलते रहें, ठीक बातें करें, सही अपना उच्चारण रखें, तो वही बात हमारे जीवन में खुशबू भी जहाँ डालेगा वही हमको और निम्रता की ओर भी लेकर जाएगा, हमको अपने कर्मों के ऊपर वो अभिमान भी नहीं होगा और हमेशा वो सेवा भावना जहाँ सभी अपने हैं उस नज़रिए की तौफीक भी हमको हमारे साथ रहेगी। तो दासी सभी से यही एक कामना करते हुए कि निरंकार का जो पहचान हमें मिली है, हमको अपने कर्मों में ये एक एहसास हमेशा रखना है और साथ ही जहाँ अपने आप को तो ठीक मार्ग पे सेल्फ करेक्शन मोड पे रख के हर चीज़ को करना है, साथ ही कोशिश ये भी हो कि हम जितने भी और हमारे जानने वाले हैं हम उन तक भी ये सच्चाई की आवाज़ पहुँचाएँ कि जिस तरह हमको ये तौफीक मिली है, दातार कृपा करे हर एक के घर में एक ये ज्ञान उजारा होकर उनको भी ये रोशनी मिले। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।